अब आप जनसमूह से हाथ जोड़कर विनती है कि ये जो अभय सिंह है इसको तुम्हें सौंपता हूं, इसके हाथ मजबूत करो और कामयाब बनाओ। मेरा आशीर्वाद हमेशा इसके साथ और रहेगा। ये किसी भी प्रकार की गलती अगर करेगा तो मैं इसके कान खींच दूंगा। जब तक मेरी रगों में चौधरी देवीलाल जी के खून का आखिरी कतरा भी रहेगा, इस संघर्ष की लड़ाई में हमेशा आपके साथ रहूंगा। सम्मानित मंच, मेरे प्यारे कर्मठ कार्यकर्ता साथियों, माताओं बहनों, आम उम्र बुजुर्गों, नौजवान साथियों और इस कृषि प्रधान देश के उज्जवल भविष्य अजीत प्यारे बच्चों, काफी लंबे समय के बाद मुझे आप लोगों के बीच में आने का अवसर मिला। मैं तो गांव का आदमी हूं, खेत से जुड़ा हुआ हूं, हर एक के दुख सुख में, गमी खुशी में, गांव गांव में हांडना फिरना मेरी आदत रही है। लेकिन 2005 में जब हमारी सरकार चली गई थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक साजिश और षड्यंत्र करके मुझे 10 साल के लिए जेल भिजवा दिया था। दोष मेरा यही था कि हमारी सरकार के वक्त में मैंने 30,206 पढ़े लिखे युवकों को नौकरी दिलाई थी। जिन बच्चों को नौकरी मिले उनकी तो तरक्की हो गई, लेकिन नौकरी दिलाने वाले को 10 साल की सजा हो गई। और फिर एक दुष्प्रचार फैलाया कि अब चुटाला तो जेल में मरेगा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी समाप्त हो जाएगी। आप सभी बधाई के पात्र हैं कि मेरी गैर हाजिरी में आपने संगठन को पहले के मुकाबले में ज्यादा मजबूती प्रदान की थी। ये बात आप रम नहीं कह रहे हैं, समूचे देश के राजनीतिक पार्टियों के अग्रणी नेता इस बात की सराहना करते हैं कि संगठनात्मक दृष्टि से आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कोई मुकाबला नहीं। परिस्थितियां बदल रही हैं, हालात आपके पक्ष में जा रहे हैं। अब ज्यादा लंबा समय आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस देश में जो लोग रास्ता भटक गए थे, गुमराह हो गए थे, बहका लिए गए थे, या जो सत्ता का सुख भोगने के लिए विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को छोड़कर सत्ता पक्ष में चले गए थे, आज वो पछता रहे हैं। आज वो पुनः आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है। मैं आप सब से निवेदन करूंगा कि उन पिछड़े हुए लोगों को मना लें, पुचकार लें और उन्हें साथ मिला लें, ताकि हम चौधरी देवीलाल जी के सपनों को साकार कर सकें। चौधरी देवीलाल जी जन्म से लेकर के
आखिरी सांस तक इस देश के आम नागरिक की मूलभूत जरूरियात पूरी करने के लिए निरंतर संघर्ष में जूझते रहे। प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता के सहयोग और समर्थन से सरकारें बनती है और चुनी हुई सरकार के जिम्मेवारी होती है कि वो जनहित की भलाई के लिए लोगों का सहयोग और समर्थन करे। हरियाणा प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद एक घोषणा की थी कि हरियाणा में जिस किसी भाई को किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो तो चंडीगढ़ मेरी कोठी पर आए, मैं उसकी हर मुश्किल को हल करूंगा, उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुविधा प्रदान करूंगा। मैंने ये बात नोट कर ली। मुझे एक दफा चंडीगढ़ जाने का अवसर मिला और चंडीगढ़ में मैं अपने किसी मित्र से मिलने के लिए जा रहा था। जिस सड़क से मैं जा रहा था उसी सड़क पर मुख्यमंत्री निवास भी था। मुझे वो याद आ गया और मैंने सरकार बनने के बाद पहली कलम से एक घोषणा की कि अब आपको सरकार के पास नहीं जाना पड़ेगा बल्कि सरकार आपके पास आएगी। प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता के सहयोग और समर्थन से सरकारें बनती है और फिर चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वो जनहित के कामों में रुचि ले और कोई निकम्मी सरकार अगर ये सब करने में समर्थ ना हो तो फिर उस सरकार को बदल देना चाहिए। आपके सहयोग और समर्थन से जब हमारी सरकार बनी तो मैंने पहली कलम से एक फैसला लिया कि अब लोगों को सरकार के पास नहीं जाना पड़ेगा बल्कि सरकार स्वयं आपके पास आएगी। और हमने एक कानून बनाया कि अब लोगों को अगर कोई कठिनाई होगी तो लोग सरकार के पास नहीं लोगों के पास जाएंगे और लोगों की शिकायतें दूर करेंगे। ये मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, आप समूचे देश के लोग बैठे मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद मैं जब भी किसी गांव में जाता था सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत गांव के लोगों की दिक्कत और कठिनाइयों को दूर करता था। आप सारे लोग बैठे हैं, क्या आपके गांव में मैं आया था कि नहीं आया था? और आपने जो मांग रखे वो सारी आपकी मानी गई कि नहीं मानी गई? मैं आपके फिर वायदा करता हूं, राज बनाना तो आपका काम है लेकिन सरकार बनने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। हमारी सरकार बनने के बाद जो सड़कें हमारे वक्त में बनी थी वो टूट गई, उनकी मरम्मत ये सरकार नहीं कर पाई। हम उन सड़कों की मरम्मत करेंगे और नई सड़कें और बनाएंगे। बेमौसमी बारिश की वजह से फसलों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई ये सरकार नहीं कर पाएगी। मैं आपसे वायदा करता हूं
कि हमारी सरकार बनने के बाद आपकी फसल का ज्यादा से ज्यादा मुआवजा हम देंगे। इस लुटेरी सरकार ने लोगों की जेब पर डाका डालने के लिए स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के द्वारा जो सम्मानित वृद्धावस्था पेंशन मुकर की थी, उस पेंशन को भी काटने का काम किया। हमारी सरकार बनने के बाद हम उन बूढ़ों की कटी हुई पेंशन का पैसा मैं ब्याज के उनके घर भिजवाएंगे। बूढ़े बुजुर्गों को 7,500 रुपए माहवार वृद्धावस्था पेंशन देंगे और केवल पुरुषों को नहीं, महिलाओं को भी उतना ही पेंशन देंगे। यानी हर घर में बूढ़े और बुढ़िया को 7,500 रुपया की बजाय 15,000 रुपया महीना आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आजकल महिलाओं को दिक्कत आती है खाना बनाने के लिए, रसोई घर में गैस के सिलेंडर रोज महंगे हो रहे। हमारी सरकार बनने के बाद हर घर में हर महीने एक सिलेंडर और 1100 रुपए मुफ्त भिजवाने का काम करें। हम हर बच्चे को निशुल्क शिक्षा देंगे। पढ़ने वाला बच्चा अगर पढ़ाई के दौरान बीमार हो जाए तो उसका मुफ्त इलाज करवाएंगे। उस बच्चे के माँ बाप ने अगर किसी मजबूरी में वोट चाहे कहीं भी दिया हो, हम इसमें वोट की राजनीति का दखल नहीं मानेंगे। हम हर बच्चे को नौकरी देंगे और जब तक उन बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, उन्हें हर महीने 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना आए। हमारी सरकार बनने के बाद स्कूलों की जो इमारतें गिर गई है, हम उनकी मरम्मत कराएं, स्कूलों में मास्टर भिजवाएं, अस्पतालों में जो डॉक्टर और दवाइयों की कमी है, हमारी सरकार बनने के बाद हम डॉक्टर और दवाइयों का प्रबंध मुफ्त करने का काम करें। हमारी सरकार बनने के बाद हम अनेक प्रकार की सहूलियात आपको दें। इसलिए आपसे निवेदन करने आया हूं कि आप सब मिल करके इन सारी बातों पर काम करना शुरू करें। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, जब भी मौका मिले आप ऐनक के निशान के आगे का बटन दबा दिया करें, फिर सरकार आपकी बढ़ेगी और आपको 2024 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपकी जब सरकार बनेगी तो हम आपको सारी सुविधाएं प्रदान करें, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहूंगा, आप हर परिस्थिति से भली भांति अवगत है। सीधी जाटी भाषा में एक ही बात कहना चाहूंगा, राज बना लो फिर थारे सारे खोटवे काट दो। आपको मेरे कहे पर यकीन है तो फिर मैं आपसे वायदा करता हूं कि आपको सारी सहूलियात हम मुहैया करेंगे। मैं सिर्फ आज तो आपसे मिलने आया हूं, मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, मेरा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करने के पक्षधर हैं। इसलिए आपसे ये नम्र निवेदन कर रहा हूं कि आप रैली तो क्या, मेरी सब कुछ आवाज पर न्योछावर कर दें और करने को तैयार रहते हैं। पिछले 19-20 सालों से जो कठिन काम रहा है उसमें भी आपने
भरपूर सहयोग और समर्थन दिया है, जिसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब आप जनसमूह से हाथ जोड़कर विनती है कि ये जो अभय सिंह है, इसको तुम्हें सौंपता हूँ, इसके हाथ मजबूत करो और कामयाब बनाओ। मेरा आशीर्वाद हमेशा इसके साथ और रहेगा। ये किसी भी प्रकार की गलती अगर करेगा तो मैं इसके कान खींच दूंगा। जब तक मेरी रगों में चौधरी देवीलाल जी के खून का आखिरी कतरा भी रहेगा, इस संघर्ष की लड़ाई में हमेशा आपके साथ रहूंगा। इसी के साथ आप सभी को राम राम, वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद और जय इनेलो कह के आपसे इजाजत चाहता हूँ। आपसे निवेदन करूँगा कि आप लाखों की संख्या में आए, रास्ते खराब हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, पानी से भरी पड़ी हैं, इसलिए आप आराम से जाएं, कोई दुर्घटना ना घट जाए। बस यही बात कहने आपके बीच में आया हूँ। आपने मेरा जो साथ दिया, मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आपको वायदा देता हूँ कि आपके हर दुख सुख में आपके साथ रहूँगा, आपको हर प्रकार की सहूलियात प्रदान करूँगा। पत्रकार और छायाकार साथियों से भी खास तौर से निवेदन करूँगा कि इन सारे हालात को अपनी कलम से छाप करके लोगों के पास भिजवाएं, ताकि लोग इन परिस्थितियों का मुकाबला कर सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।